हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं लक्ष्मी जी का पंडाल तैयार है हो रहा है दोस्तों। और ये दुर्गा माता समिति का था, लेकिन अब लक्ष्मी जी यहाँ पे बैठने वाली हैं। और दोस्तों आगे चलकर, और दोस्तों इस रोड की बात करें तो दोस्तों ये रोड है फरेंदा, और फरेंदा से हम जा रहे हैं कंपियरगंज की तरफ। और दोस्तों आपको बीच में हम दिखाएंगे रामलीला मैदान, जैसे कि कल मैं बोला भी था कि रामलीला मैदान आपको कल दिखाऊंगा। गाइस देख सकते हैं, इस रोड की पहले बात कर लेते हैं। रोड आपको एकदम क्लियर मिलेगा, और इस पर बाइक राइड आप करेंगे तो बहुत ही मज़ा मिलने वाला है, मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं भी बाइक से ही हूँ। और दोस्तों इस ये रोड आपको एकदम क्लियर मिलेगा, आप इस पर बाइक राइड बहुत ही मज़े से कर सकते हैं। और ये है नेशनल हाईवे 24 है दोस्तों, देख सकते हैं बैनर भी लगा है। यहाँ से एक रोड गया है आगे से जो मिठौरा की तरफ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर है ये रोड, और यहाँ से आप मुड़ रहे हैं तो मिठौरा की तरफ जाएंगे, जो आगे आपको दिखा रहा हूँ रोड को। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से जब कटेंगे तो आप मिठौरा चल जाएंगे ग्राम में। अब दोस्तों मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप गोरखपुर के हैं और जिस एरिए के हैं तो उसका नाम मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी देखूं कि गोरखपुर से हमें कौन कौन कितने लोग कहां कहां से सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और दोस्तों जो दाएँ तरफ आपको गाँव दिखाऊँगा वो करमहावा गाँव है, और इसके बाद आपको बस स्टैंड मिलने वाला है, देख सकते हैं यहाँ से रोड का इशारा भी दिया है, कट के गया दाएं तरफ जो करमहावा गांव में जाएगा, और ये बाएं तरफ भी एक गांव है दोस्तों। आगे आपको देखने को मिलेगा बस स्टेशन जो मोहम्मदपुर का है। तो चलिए दोस्तों मैं मोहम्मदपुर का बस स्टेशन दिखा देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां से बनाया भी गया है, आप बस यहाँ पे रुकता है और लोग यहाँ पे आप आकर वेट करते हैं बस का, और बस जब आ जाती है तो यहाँ से लोग बैठकर चले जाते हैं। दो मतलब स्टेशन बना है कुछ दूर पे, यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ से आप अपने मोहम्मदपुर से आप कौड़ी राम फरेंदा भी जा सकते हैं आसानी से, यहाँ पे बस मिल जाता है और आप चले जाएँगे। और दोस्तों ये है, अब आपको दिखाने वाला हूँ क्या दिखाने वाला हूँ, रामलीला मैदान। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रामलीला मैदान है, और यहाँ बहुत ही भव्य प्रदर्शन होता है रामलीला का, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत यहाँ पर राम जानकी मंदिर है जो रावतगंज में पड़ता है, और इसके बगल में ही खिरिया गांव आपको देखने को मिलेगा। और राम जानकी मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है, और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको देख कर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और दोस्तों ये है सुबह का 8:30 बज रहा है, अब हम लोग यहाँ से कंपियरगंज नहीं दोस्तों, कंपियरगंज आगे मिलेगा, हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर, और गोरखपुर से अपने गांव की तरफ जाएंगे। तो हम लोग आए थे यहाँ पे, कुछ काम था, और काम मेरा मतलब कंप्लीट करके अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, गोरखपुर की तरफ। और दोस्तों खिरिया गाँव के बाद आपको धर्मपुर देखने को मिल जाएगा गाँव, और यहाँ से आप जैसे ही दाएं करते हैं आगे से जाकर तो आप धर्मपुर गांव की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो लेकर, और गोरखपुर से रिलेटेड वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।